हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपका लिटरेरी पैटल है जो उसकी बुक का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि एक पोईम है, माय हर्ट लीप्स व्हेन आई बिहोल्ड। ये वर्ड ब्रदर्स की लिखी हुई पोईम है। जर्नली अक्लेम्ड एज द हाई प्रीस्ट ऑफ द नेचर, जो कि जिसको नेचर का प्रीस्ट माना जाता है, वॉज अ पोइट ब्लेस्ड विद एन अनयूजुअल सेंसिटिविटी। ही लव्ड एवरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचर। वो नेचर, जो भी नेचर है, उसके हर एक ऑब्जेक्ट को प्यार करता है, उसकी ब्यूटी को, क्वाइटनेस को, विद अ रेयर इंटेंसिटी। He was content not merely to reach why he saw more deeply to find the secret springs of his joy. वो देखता है जो नेचर में स्प्रिंग्स होती हैं, उनकी खुशियों को देखता है। He was a philosopher, philosopher है, poet है, who could with a rare blend of thoughts and emotions convey the idea of the being that in the clouds and in the air. वो इमोशंस और थॉट्स के ज़रिए नेचर को जो है उसमें से आइडिया लेता है, बींग दैट इट इज़ इन द क्लाउड एंड इन द एयर। क्लाउड्स और एयर्स में से वो आइडियाज़ लेता है। द डिवाइन इसेंशियल दैट पर प्रीमिनेट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, और सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के उनके साथ बात करता है, उनकी जो प्रेजेंस होती है उनको इंजॉय करता है, उनकी कंपनी को इंजॉय करता है। My heart leaps when I behold is a powerful expression of the poet's love. इसमें क्या दिखाया गया है कि poet का जो प्यार है, fascination है nature के प्रति, उसको दिखाया गया है। He has a nurtured a life long passion for the many splendid spectacles, the rainbow. उसमें वो rainbow की बात करता है, और nature में जो rainbow होती है, सात रंग की pink बोलते हैं हम जिसको, वो आपने बहुत बार देखी होगी बारिश होने के बाद जब सूरज निकलता है तो कई बार निकल आती है ना रेनबो, तो वो रेनबो को के साथ लॉन्ग पैशन है, जो प्यार है उसका, उसको जाहिर करता है। इट हैज़ बीन द प्रीनियर फाउंट ऑफ अबैंडन जॉय सिंस हिज इन्फेंसी। जो उसका नेचर के साथ प्यार है, रेनबो के साथ प्यार है, वो उसका बचपन से है। द साइट ऑफ द रेनबो कीप्स अनथ्रेडलिंग हिम इन हिज अडल्टहुड। जो साइट है रेनबो की, रेनबो जो दिखने में होता है, वो जो जो खुशी उसको बचपन में देख के मिलती थी, वो आज भी उसको रेनबो देख के मिलती है। ही एडरेंटली विशेज दैट द हर्ट वुड रिस्पॉन्ड टू द पावर एंड ग्लोरी ऑफ द रेनबो। विश करता है कि उसका हर्ट रिस्पॉन्ड करे, पावर और ग्लोरी है जो रेनबो की, विद द सेम इंटेंसिटी इन द ओल्ड एज एज वेल। भी जब वो बुजुर्ग हो जाएगा तब भी वो रेनबो को देख के वही पावर और लव और ग्लोरी है जो उसको देख के मिले। इन द इवेंट ऑफ द कॉलिन ऑफ हिज पैशन फॉर द रेनबो ही वुड प्रेफर टू बिंड फेयरवेल टू द लाइफ। वो कहता है कि उसको रेनबो के साथ इतना प्यार है कि वो रेनबो के साथ ही अपना जीवन है वो गुजारना चाहता है। इन अ वे हिज चाइल्डहुड फेस्टिव वॉज द रेनबो हैज़ जनरेटेड हिज लेटर डे फेस्टिव फॉर द रेनबो। बचपन से लेके आज तक रेनबो है जो उसका, उसकी जनरेशन के साथ चलता आ रहा है। इट इज़ इन दिस स्पेसिफिक सेंस दैट चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। तभी उसने कहा है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा है जो, बच्चा एक्सपीरियंस लेता है तभी वो फादर बनता है, इसलिए उसने बोला है चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। बच्चा जो बातें बच्चा कर सकता है, जो बातें बच्चे को जो एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या है, मैन है जो, द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ़ द मैन विच स्ट्रिक्स अस एज ए पैराडॉक्स, जो एक पैराडॉक्स बना हुआ है। तो इसकी पोइम क्या है, माई हर्ट लिप्स वैन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। जब मैं कहते रेनबो को स्काई में देखता हूँ तो मेरा हर्ट है जो वो खुशी से भर जाता है। सो वॉज इट वैन माई लाइफ बिगिन। ये मैं कब से देख रहा हूँ, जब से मेरी लाइफ शुरू हुई है। सो इट इज़ नाउ आई एम अ मैन, तो अब मैं क्या हूँ, एक आदमी बन गया हूँ। सो बी इट वैन आई सॉ आई सेल ग्रू ओल्ड। और ये सब कुछ मेरे साथ कब तक चलता रहेगा, जब तक मैं बुजुर्ग नहीं हो जाता, और लेट मी डाई, और या तो मेरी मरने के साथ ही ये भी ख़त्म हो जाएगा। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी
बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल बीटिंग। कहते हैं कि चाइल्ड है जो आदमी का फादर है, मैं विश करता हूँ कि मेरी जो दिन है वो किसके साथ बाउंड हो, नेचर के साथ बाउंड हो, क्योंकि वर्डवर्थ को नेचर के साथ रहना बहुत पसंद था। ये छोटी सी पोइम है जिसमें उसने रेनबो की तारीफ की है, नेचर बताई है कि नेचर बहुत अच्छी है, रेनबो बहुत अच्छी है, जब से उसका जन्म हुआ है तब से उसने देखना शुरू किया रेनबो को, अब वो मैन हो गया और उसकी विश है कि वो जब बुजुर्ग हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा या मर जाएगा, तब तक रेनबो का जो ग्लोरी है, रेनबो की जो पावर है उसको वैसी ही खुशी देती रहे जैसे उसको बचपन में देती थी। ओके बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही छोटी सी पोइम है जिसमें उसने रेनबो को एक्सप्लेन करके अपनी फीलिंग्स है जो नेचर के साथ अटैच करके बताई है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया करवाऊंगी, तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे इस जो पोइम है उसको अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।